दिल्ली की जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस की जालिमाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की कि खाती पुलिस अहलकारों को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा। सवाल ये कि उसमें कोई पत्थर उठा रहा है, कोई बैठा है, कोई कवर कर रहा है, मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीट कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है, शाम में निकलना चाह रहे हैं, पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस के जुल्म की, उनकी ब्रूटैलिटी या बारबरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले से नाजी के लोग धकल रहे थे, वैसे नज़ारे दिख रहे थे, अंदर घुस के मारे स्टूडेंट्स को। सरासर इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, और पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का जुल्म इससे साफ जाहिर होता है। लेकिन ये सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना सर, मास्क पहने, नकाब पहने हुए थे, पहने हुए जो बैठे हुए हैं, जो रास्ते पत्थर मार रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, कोई पहन के सर लाइब्रेरी में कौन बैठा है? नकाब पहन, आप वीडियो पूरा देखेंगे, वो किताब खोल के पढ़ भी रहा है, किताब खोल के पढ़ भी रहा है। और अगर इसमें बोलेंगे कि वो प्रोटेस्टर था, इन पर पत्थर फेंकने था, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पत्थर थे सर? हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, आप रजिस्टर क्यों नहीं करते FIR? आप पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर क्यों नहीं करते पुलिस को, जबकि जामिया के वाइस चांसलर ने कोई पावर नहीं दिया एंटर होने का? कैसे एंटर हुए, क्यों एंटर हुए? आप रजिस्टर करिए, FIR तहकीकात करिए। पुलिस क्या, होली कौ है? पुलिस की मारने की वजह से बच्चे जख्मी हुए, पुलिस की वजह से। अभी तो वुमेन हॉस्टल के वीडियो निकलने बाकी हैं, वुमेन्स के हॉस्टल में घुस के मारे बच्चों को, वो वीडियो भी निकलेगा, देखिए बाप, उनको क्या बोलेंगे, बाल पकड़ के मारे बच्चों के, वो वीडियो भी निकलेगा। ये सरासर पुलिस का जुल्म है, इसको मैं कंडेम करता हूँ, और होम मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, इनके खिलाफ FIR बुक करें। क्योंकि अगर लॉयर्स को, जब लॉयर्स जब पुलिस वाले को मारे, जब पुलिस वाले अपनी बहादुरी नहीं दिखाए, इन बच्चों के खिलाफ बहादुरी दिखा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं लोगों को। अगर तहकीकात में ये भी मालूम हो गया, फिर तहकीकात करिए ना, कौन रहे आप, बच्चों ने भी गलती की भाई साहब, आप तहकीकात क्यों नहीं करना चाह रहे? गवर्नमेंट क्यों डर रही है तहकीकात से? गवर्नमेंट क्यों पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर करना नहीं चाहती? क्या मिनाजुद्दीन की आंख जाय हुई नहीं हुई? क्या वुमेन्स हॉस्टल में बच्चों को मारा गया नहीं मारा गया? ये तमाम विजुअल्स आ रहे हैं सामने, और जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने खुद कंप्लेन दी है कि पुलिस के खिलाफ FIR होना चाहिए, और FIR होना चाहिए पुलिस के खिलाफ। सेलेक्टिव एमनेस्टी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह हकीकत है। ये विजुअल सामने है, और विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चों को मारा गया, बच्चों को मारा गया।